एक कारण अभिकर्मक के साथ हुआ, दूसरा हम लोग कर देते हैं किसके साथ, फेलिंग विलियन के साथ। किसके साथ करा देते हैं? फेलिंग विलियन के साथ। The effects of poison. The effects of poison. 4/5 माइनस 6/5। 80 से 60 तक पढ़े, अभी तक हमारी फीस में यदि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति की थी, रामेश्वर प्रसाद सत्यनारायण में पढ़ने का अवसर मिला। आप भी इसका नाम बताएंगे कहने चाहेंगे जिन्होंने हमारे अपनी बेटी की तरह हमारी जिम्मेदारी, उन्होंने अपनी बेटी के द्वारा हमें शिक्षा देने की जिम्मेदारी ली। मैम हमारे फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस रामेश्वर प्रसाद स्कूल में पढ़ने का हमें मौका मिला। मैम उन्हें हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, उन्होंने हमें अपने बेटी की तरह पढ़ाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मयूरी तिवारी जी, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की 200 लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गोद लिया है। तो आइए हम जानते हैं मयूरी जी से कि इस कार्य को करने के लिए उन्हें कहां से प्रेरणा मिली। सबसे पहले मयूरी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, सबसे पहले दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मयूरी तिवारी, प्रधानाचार्य रामेश्वर प्रसाद सत्यनारायण मंडल का शिक्षा। तो मैम आप जो ये कार्य कर रही हैं लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की, तो इसकी इसका विचार सबसे पहले आपके मन में कब आया? साक्षी जी, 2011 में जब मैंने विद्यालय प्रारंभ किया तो मैंने देखा कि लोग लड़कों की शिक्षा के प्रति तो जागरूक हैं, किंतु कहीं ना कहीं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वो उतना जागरूक नहीं है, या यूं समझ सकते हैं कि आर्थिक विषमताओं के कारण ही वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पा रही हैं। तो यही से मेरे मन में एक विचार आया, मैं एक क्यों ना मुहिम स्टार्ट करूं, और इसी भावना के तहत मैंने एक मुहिम प्रारंभ की, बेटियां आपकी जिम्मेदारी हमारी। मैम अब तक कितनी लड़कियां पढ़ चुकी हैं इस विद्यालय में और कितनी अभी पढ़ रही हैं? साक्षी जी, ऐसा है प्रतिवर्ष विद्यालय में बच्चियों को मुफ्त शिक्षा देने का कार्य मैं कर रही हूँ, तो 2016 में मैंने 280 लड़कियों को गोद लिया और इस वर्ष लगभग 100 बालिकाओं को मैंने गोद ले रखा है। ये जो विद्यालय में लड़कियां पढ़ रही हैं वो किस वर्ग की लड़कियां हैं? कि सभी को शिक्षा मिल रही है स्कूल में कि सिर्फ एक वर्ग की लड़कियां? साक्षी जी, हमें ऐसा लगता है कि यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो तो आप शिक्षा का दान दीजिए। 2016 में मैंने इनफैक्ट विद्यालय की संपूर्ण बालिकाओं की शिक्षा का दायित्व लिया, एक बहुत बड़ी मुहिम थी। लेकिन वर्तमान समय में इस मुहिम में थोड़ा सा परिवर्तन करके जो प्रतिभावान लड़कियां हैं और आर्थिक विषमताओं के कारण नहीं पढ़ पा रही हैं, ऐसी बालिकाओं की शिक्षा का दायित्व मैंने लिया। आपके इस कार्य में क्या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी और का और किसी ने योगदान दिया? साक्षी जी, अभी तक इस मुहिम में कोई भी हमको आर्थिक सहयोग किसी भी राजनीतिक दल से नहीं मिला। इनफैक्ट हम ये चाहते हैं कि इससे समाज के जो भी सक्षम लोग हैं वो आगे आएं और इस मुहिम को आगे लेकर बढ़ें। सुनने में आया था कि आपने कोरोना के दौरान मुफ्त शिक्षा के लिए पूरे विद्यालय में मुफ्त शिक्षा कर दी थी, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। साक्षी जी, ऐसा जानती है कि वो एक पैंडमिक एक महामारी थी, उस समय लोगों ने अपने रोजी रोजगार नौकरी सब कुछ गंवा दिया था। ऐसे में था कि पहले सुरक्षा फिर शिक्षा, लोग अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में मैंने अपने विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का संपूर्ण शिक्षण शुल्क माफ कर दिया। मैम आप नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं दर्शक, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल साक्षी जी, नवभारत टाइम के माध्यम से हम ये दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना से हमें लगता है कि जो भी नेता या समाज के सक्षम लोग हैं उनको आगे आकर इस योजना को आगे बढ़ाते हुए जो आर्थिक विषमताओं के कारण बालिकाएं नहीं पढ़ पा रही हैं, लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं, उनकी शिक्षा का दायित्व लें।
तो ये थी हमारे साथ मयूरी तिवारी जी, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए साक्षी श्रीवास्तव।